हरियाणा के लोग अब इस कदर जागरूक हो चुके हैं कि वह पूरी तरह से फिजूल खर्ची पर रोक लगाने के लिए समाज के लोगों की बैठक कर उन्हें भी जागरूक कर रहे हैं। लोग शादी समारोह के अलावा अन्य कार्यक्रमों में फिजूल खर्ची करते हैं, इस पर पूरी तरह से पाबंदी लगे। इसके मद्देनजर बेरी खाद्यान्न खाप की एक बैठक बेरी की पुरानी गौशाला में हुई। पंचायत में विभिन्न मुद्दों पर फैसले लिए गए और बेटियों को किसी प्रकार से बोझ नहीं समझा जाएगा। बेटियों को अच्छे से अच्छे पढ़ाई लिखाएं और साथ ही बेटी जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती है तो उसके माता पिता उसको सहयोग करें। इसके अलावा प्रदेश में बढ़ रही रेप की वारदातों पर भी खाप पंचायतों ने चिंता जताई। सिवाना गांव के सरपंच हरियाओ कादियान की अध्यक्षता में हुई पंचायत में कादियान खाप के प्रतिनिधियों ने कहा कि प्रदेश में हो रही बलात्कार की वारदातों को देखते हुए अब खाप पंचायत बैठक कर ये तय करें कि इसके पीछे क्या कारण है, जिसके बाद पंचायतों ने इसका हल निकाला कि प्रदेश में बेटियों की संख्या कम होने की वजह से लड़कों की शादी कम हो रही है, जिसकी वजह से युवा भटक रहे हैं और ऐसे घिनौने काम करते हैं। खाप ने फैसला लिया कि भटके युवाओं की शादी करवाई जाए, समाज में बेटियों की संख्या जो कम हो रही है उसके प्रति भी लोगों को जागरूक किया जाए। इस काम को हम बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लेके महाराज राजेंद्र दास जी से और आर्य समाज के महान विद्वान स्वामी आर्यवेश जी से आशीर्वाद लेके पूरा करना चाहते हैं। इसको एक सामाजिक प्रोग्राम का रूप देंगे, किसी पार्टी विशेष का नहीं, हम इसमें सबको बुलाएंगे भाई। और एक रुपया भी हमने नगद ले रहे ना, चंदा के रूप में ले रहे। 51 आदमियों की कात्यान खाप कमेटी बनाएगी और वो कमेटी में जो भी आएगा, कन्यादान आएगा, वो सब लड़कियों में बराबर बढ़ जाएगा। कोई पैसा हमने तो नगद ले रहे, सब ना वस्तु के रूप में ले रहे, निःशुल्क करेंगे भाई सारी चीज़ें। धीरे धीरे ये चीज़ अपनाई जाती है, एकदम तो कोई होती नहीं, पहले सती पड़ता थी, आज बिल्कुल बंद हो गई। अब धीरे धीरे इस चीज़ का चलन हो, हम तो एक का भी उसी धूमधाम से करेंगे, परमात्मा की मर्जी से गाँव से सही होगा। भाई साहब, जैसे मैं गांव में हूँ, डेली शादी होती है, एक आदमी घर में डेली शादी में जाने वाला चाहिए, इतने पैसा वेस्टेज होता है रोज रोज अलग अलग। और बुद्धिमान व्यक्ति, समाज हो या कोई भी देश हो, अच्छी चीज अपनाई जाती है, तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, नई सोच है, समाज में नई क्रांति लाने के लिए हमने ये कदम उठाया है, ताकि हर व्यक्ति इसका लाभ उठा सके, गरीब हो या अमीर हो। दहेज प्रथा, लैंगिक भेदभाव, बहुत सी बुराइयां खत्म, क्योंकि गरीब लोग लड़की होते ही समझते हैं कि लड़की पैदा होगी तो उसका बोझ माना जाता है, तो ऐसे काम होंगे तो लड़की को बोझ नहीं माना जाएगा, लड़की लड़की है तो हम हैं भाई। आज न्यूज़ के लिए झज्जर से सोनू धनखड़ की रिपोर्ट। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखी गई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।